सुप्रीम कोर्टस में सपज आज बेक फिर जम्मू कश्मीर किस तत् हुकुमनाम पे समात इस हुकुमनाम महकमे माल तरफ जारी करमुत यथ मज सरकारी जमीन गाश चराई तो रोशनी एक्टस तहत जमीन हासिल कर वाल पन्न तमीरत तो कब्जे हटाने बाप वन आमुत कह दो ब्रो उस एडवोकेट मुजफ्फर अहमद खानन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ब्रोह कर्जी दायर करम रोशनी एक्ट किस मामलस हवाल गए खसूसी समात सपदन युद्ध जन लूक बगैर सपदन न कह यम पत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाजब तो पुंछ डिवीजन बेंच कायम कर आज अमि केस समात कर यह दौरान तिम नवन अर्जियन पे समात सपज यम रोशनी एक्ट किस दायरस तहत दाखिल कर आमच यम पत बेंचन रोशनी स्कीम तहत यम नवन अर्जियन राहत दिवान हुकूमत किस फैसलस पे ठाक लगित 31 जनवरी अमि केस नव समात तय कर अम केस वकील एडवोकेट मुजफ्फर अहमद खान साहब नई दिल्ली पे बराए रास मौजूद तो तिम नश यो जानून सुप्रीम कोर्टस मज अर्जी दायर तो जम्मू कशीर मज इंतजामिया तरफ इनदामी कार्रवाई तो जमीन खाली करनुक मामले मुजफ्फर साहब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज की समात के अंदर क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई देखिये आज जो थी ये रोशनी एक्ट में जिन लोगों को ऑनरशिप मिली हुई थी उनकी एक ऑलरेडी पेंडिंग पिटीशन थी जिन्होंने एसएलपी की थी अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ डिवीजन बेंच ऑफ द हाईकोर्ट जो जिसको रोशनी की जजमेंट कहा जाता है उन्होंने पहले से पेंडिंग थी एक पिटीशन उसमें एक अर्जी हमने दायर की थी जिस तरह आपने बताया कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बनाया था जिसमें सीटी रवि कुमार साहब और हेडेड बाई एम आर शाह साहब का बेंच था जिसमें आज मैंने ही आर्ग्यू किया और ये कुछ गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू हियर ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि प्रोटेक्शन दी है कि जो रोशनी एक्ट के लोग हैं जिन्होंने घर बनाए हैं आपने उनको डिमोलिश ना किया जाए बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करने वाला था उस वक्त गवर्नमेंट वकील ने कहा कि मैं आश्वासन देता हूं मैं यकीन दहानी देता हूं ऑनरेबल कोर्ट को कि हम इनको नहीं छेड़ेंगे इनको डिमोलिश नहीं करेंगे जिन लोगों के घर बने हुए हैं रोशनी की जमीन पर उनको हम डिमोलिश नहीं करेंगे तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 31 तक जो है 31 को हम इसको दोबारा सुनेंगे तब तक आप अपना जवाब भी दे दो लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रवैया हमदर्दाना था कि जो लोग छोटी जमीनों पर हैं जिन्होंने अपना छोटे छोटे पैच पर अपने मकान बनाए हैं और रोशनी में उनको मिल्कियत भी मिली है उनको डिमोलिश ना किया जाए बिल्कुल मुजफ्फर साहब यहाँ पर दोबारा से आपसे जानना चाहूंगा बात क्लियर करना चाहूंगा क्योंकि सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर हर किसी ने अपने अपने अंदाज से तबसरा करना शुरू किया क्या मामला सिर्फ रोशनी एक्ट के हवाले से था जो अर्जियां दायर थी और जो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की है क्या वो सिर्फ रोशनी एक्ट के हवाले से है जाहिर सी बात है जो लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने थे जिनकी जिनकी एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन थी वो सिर्फ रोशनी वाले ही थे बिल्कुल जनरल ऑर्डर तो कोर्ट कभी करता नहीं है बिल्कुल कि भाई पिटिशनर जो आएगा उसी की सुनवाई होगी और उसी का केस देखा जाएगा तो जनरल ना तो हमने कोई जनरल ऑर्डर की स्टे का मांगा था हमने तो पिटिशनर की हद तक मांगा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह वाजिया तौर पर कहा कि इन लोगों को डिमोलिश नहीं किया जाएगा उससे साफ जाहिर है कि रोशनी के अंदर जिसने अपनी फीस जमा करके अपनी कोई जमीन ली है गवर्नमेंट ने उसको दी है एक स्कीम के तहत एक एक्ट के अंदर जो एक्ट लेजिस्लेचर ने पास किया ये कानूनी बहस है कि जजमेंट में उसको अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया है क्या वो कर सकता है कोर्ट या नहीं कर सकता है वो एक कानूनी बहस है जो हम करेंगे जब 31 को या उसके बाद जब भी ये केस सुना जाएगा लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ये जो डायरेक्शन है कि भाई आप किसी भी ऐसे शख्स को बेदखल नहीं करेंगे उसको बेघर नहीं करेंगे जिसने रोशनी की जमीन पर अपना मकान बनाया बिल्कुल एडवोकेट मुजफ्फर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि जो अब अगली समात होगी अगली समात में किन चीजों पर बहस हो सकती है क्या रोशनी के अलावा और भी चीजों पर बहस हो सकती है देखो मैं जिनका वकील हूं वो रोशनी के क्लाइंट हैं बिल्कुल हो सकता है इस दौरान कुछ लोग हैं
जिनकी पिटिशंस और भी हैं, जो लीज वाले लोग हैं, जो लीज होल्डर थे और बाद में उनको रोशनी में उनको भी मिल्कियत दी गई थी, उनके भी केस चल रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे मुझे जिसे तसल्ली है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े हमदर्दाना तरीके से मुझे सुना और सुनने के बाद महसूस किया कि ये ज्यादती। मुजफ्फर साहब, आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, क्या जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट ने हमदर्दी जताई रोशनी एक्ट को लेकर, क्या ये मानकर चलें कि जो लीज वाले हैं जिन्होंने पिटिशन दायर की, आज के इस हुक्मनामे से उनको भी किसी हद तक राहत मिल सकती है या इम्कान है या उम्मीद है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में या किसी भी कोर्ट के बारे में ज्योतिषी भी नहीं बता सकते कि ये फैसला क्या होगा। बिल्कुल। बहरहाल, हमने जो दलीलें दी उससे लगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुतमईन था कि वाकया ही ये ज्यादती हो रही। बिल्कुल। खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ चंद लम्हात और इस रोशनी एक्ट के हवाले से जो आज समाप्त हुई उस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए। नाजरीन, भुवनोदय एसिटियोस एडवोकेट मुजफ्फर अहमद खान साहब यमजन तिमन पेटिशन हिंद वकील यम सुप्रीम कोर्टस में दायर आस करम रोशनी एक्ट एक्टस हवाले, तो यथपू यमो विस्तार सान वोन कि आज यह समात सपज तो सुप्रीम कोर्ट तरफा हमदर्दी हावन आई तो वन आव सरकारस ज फिलहाल गज अत ठाक लागन इन इस रोशनी एक्टस तहत लुकन जमीन सह खाली कर फिलहाल कह 30 जनवरी सपद अत पे दोबारा समात तो यम एडवोकेट मुजफ्फर अहमद खान साहब अस सत।